हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट्स बीटी कॉटन वर्डिक्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन सुनाया है बीटी कॉटन पे। बीटी कॉटन आपका एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। मेरी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और पीडीएफ जो है वो फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। सो गाइज, ये है हमारा चैनल स्टडी आईक्यू। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इसके बारे में कोई भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम के हिसाब से इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव लेवल एग्ज़ाम है तो वहाँ पे आपको बेसिक्स जो हैं आईपीआर के, जीएम के, जीएसी के, ये पूछे जा सकते हैं। ये जो तीनों टर्म्स हैं ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और सब्जेक्टिव लेवल पे ये जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है इसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे, इसके बारे में ओपिनियनेटेड क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए, न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज हालांकि में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिस्टोर किया है, मोनसेंटो एक कंपनी है, बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी है, और अभी वैसे इसको बेयर ने ओवरटेक कर लिया था, तो अब इसका नाम सिर्फ मोनसेंटो नहीं, मोनसेंटो बेयर है। बट जब ये केस फाइल किया था तब ये मोनसेंटो ही थी, तो लेक्चर में हम मोनसेंटो ही वर्ड यूज़ करेंगे इसका नाम। सो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या किया है, मोनसेंटो को रिस्टोर किया है उसका पेटेंट क्लेम। जो मोनसेंटो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाती है, और इंडिया में बीटी कॉटन को लेकर इसका पेटेंट का इशू हो गया था। पहले दिल्ली हाई कोर्ट जो है उन्होंने ऑर्डर दिया था कि अब इसके पेटेंट राइट्स जो हैं वो नहीं रहेंगे जीएम जो क्रॉप्स है बीटी कॉटन पे, और जैसे लाइसेंसिंग चल रही है इंडिया में वैसे ही चलती रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपनी रूलिंग में जो पेटेंट क्लेम है मोनसेंटो का जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन पे, उसको रिस्टोर कर दिया है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट पे ये फैसला करने को छोड़ा है कि पेटेंट का वैलिडिटी कब तक रहेगा, राइट, क्योंकि पेटेंट कुछ साल तक ही आपके वैलिड रहते हैं। तो ये चीज़ देखने को दिल्ली हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो ये इसलिए न्यूज़ में है। अब इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़े से बेसिक्स पे नज़र मारते हैं कि जीएम क्रॉप्स इंडिया में उनका क्या स्टेटस है। देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की दो तीन वीडियोज़ मैंने पहले भी बनाई हैं जहाँ पर इनको डिटेल में डिस्कस किया है कि ये क्या होते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। बट जस्ट इन ब्रीफ बता दूँ, जो भी क्रॉप्स में हम उनके जीन के साथ छेड़खानी करते हैं या मैनिपुलेशन करते हैं, डीएनए रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं, उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं। और दुनिया में हम फिफ्थ लार्जेस्ट हैं इसकी प्रोडक्शन में, जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप है। और इसका ऑर्डर वर्ल्ड में कुछ ऐसा है, यूएसए नंबर वन पे है, फिर आपका ब्राज़ील है, देन अर्जेंटीना है, फिर कनाडा है, और फिफ्थ नंबर पे इंडिया है। लेकिन यहाँ पे आयरनी की बात, हंसी की बात ये है कि भारत में जो हमारा रैंक है फिफ्थ ग्लोबली ऑल ओवर इंडिया में, ये सिर्फ बीटी कॉटन की वजह से है, क्योंकि 96% इंडिया का जो कॉटन कल्टीवेशन है वो बीटी कॉटन क्रॉप्स के अंडर होता है, और बीटी कॉटन ही एक इकलौता ऐसा क्रॉप है जो हमारे यहाँ पर हमारी कंट्री में अलाउड है, राइट। सो दूसरा आ गया आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। देखिए, ये कमेटी क्या है, ये एक एपेक्स बॉडी है, ओके ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और ये रेगुलेट करती है जितने भी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स हमारे यहाँ पे आते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होना है, उनको कैसे यूज़ करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो जितने भी आपके इस तरह के इश्यूज रहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स के या सेल्स के, वो यही रेगुलेट करती है, और यही रिस्पॉन्सिबल है यही GEAC। अगर आपको अप्रूवल चाहिए, टेक्निकल अप्रूवल चाहिए GMOs को लॉन्च करने का या एक्सपेरिमेंट करने का फील्ड्स में, तो GEAC ही आपको देता है। और उसके बाद लेकिन अल्टीमेटली राइट यहाँ पे मिनिस्टर जो है एनवायरनमेंट मिनिस्टर उनका रहता है, बट एक बहुत बड़ा रोल रहता है GEAC का इस पूरी चीज़ को डिसाइड करने में। अब देखिए, बैसिलस थुरिंजिनेसिस, बीटी कॉटन हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे बीटी किस लिए स्टैंड करता है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, बैसिलस थुरिंजिनेसिस। अब देखिए, कभी भी हम किसी बैक्टीरिया का नाम लिखते हैं
तो उसको या तो इटैलिक्स में लिखते हैं, अगर अगर उसको नॉर्मल फॉन्ट्स में लिखेंगे तो उसको यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं. तो यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया गया, इसलिए इसको मैं पेन से अंडरलाइन कर रही हूँ. राइट, अब देखिए बैसिलस थुरिंजेंसिस क्या है. ये एक बैक्टीरिया है जो नेचुरली आपको सॉइल में मिलता है. अब इसकी खासियत ये है कि एक ऐसी प्रोटीन बनाता है जो इंसेक्ट्स को मारती है. अब देखिए प्रोटीन हमारी बॉडी में कहाँ से बनेगी, ऑब्वियसली डीएनए से बनेगी. तो अगर हम ये डीएनए सीक्वेंस जो है इसको आइडेंटिफाई करके अपने प्लांट्स में डाल देते हैं तो हमारे प्लांट्स भी वही प्रोटीन जो है बनाएंगे. और अगर जो पेस्ट हैं जो प्लांट्स को ख़राब करते हैं, आके खा जाते हैं कॉटन प्लांट्स को, वो इस प्लांट को खाएंगे तो ये जो प्रोटीन है ये इंसेक्ट्स को मारती है तो वो मर जाएंगे. तो वो प्लांट्स, हमारा जो प्लांट है वो बर्बाद नहीं होगा. तो यही मैकेनिज्म है आपका बीटी थुरिंजेनेसिस का. लेकिन अभी इसका इम्पैक्ट ह्यूमंस पे क्या है ये नहीं देखा गया है, बट बीटी कॉटन का जो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो यही है. अब देखिए इस केस पे आते हैं कि इस केस का पूरा बैकग्राउंड क्या है. देखिए ये केस दो पार्टीज़ के बीच में चल रहा है. इसमें एक पार्टी होगी आपकी मॉन्सेंटो और दूसरा हो गया जितने भी हमारे देश की डोमेस्टिक सीड कंपनीज़ हैं उनके बीच में ये केस चल रहा है. और इस डोमेस्टिक सीड कंपनीज़ जो हैं इंडिया की, उनको लीड कर रहा है ये केस यहाँ पे न्यूजी विदु सीड्स लिमिटेड. राइट, अब बैकग्राउंड देखिए क्या है कि 2004 में क्या हुआ, मॉन्सेंटो जो है वो इंडिया में एंटर हुआ और एक लाइसेंस अग्रीमेंट उसने साइन किया हमारी डोमेस्टिक कंपनीज़ के साथ 10 साल के लिए. अब इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इंडियन फर्म्स हैं, इंडियन कंपनीज़ हैं, वो बिजनेस के तौर पे ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड कॉटन का कॉन्सेप्ट है या प्लांटिंग सीड्स हैं जो इसके, इनको बना सकती हैं. लेकिन वो किसकी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगी, मॉन्सेंटो की, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ मॉन्सेंटो के पास थी. मॉन्सेंटो की टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन के जो सीड्स हैं वो बना सकती हैं. लेकिन इसका कंडीशन ये था कि जो चीज़ें अग्रीमेंट में लिखी गई हैं वो ये कंपनीज मानेंगी और एक जो लाइसेंस फी होती है वो मॉन्सेंटो को देती रहेंगी. राइट, तो इसी तरीके से ये सिस्टम चल पड़ा और जो लोकल सीड फर्म्स थी वो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बनाने लग गई और एक ट्रेड फी जो होती है, ट्रेड फी, लाइसेंस की जो फी है उसको ट्रेड फी बोलेंगे, जिसको गवर्नमेंट ने फिक्स किया था, वो मॉन्सेंटो को देने लग गई. लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ये हमारी इंडिया की कंपनीज़ हैं ये यूएस कंपनी को बोलने लगी कि आप हमसे ये फीस नहीं ले सकते. और उसके रीजंस हम कोर्ट की जजमेंट में डिस्कस करेंगे कि क्यों इन्होंने कहा. लेकिन इनका एक रीज़न यहाँ पे ये भी था कि ये ट्रेड फी मॉन्सेंटो ने काफ़ी इंक्रीज़ कर दी थी और डोमेस्टिक कंपनीज़ कह रही थी कि इसको कम कीजिए, लेकिन मॉन्सेंटो इसको कम करने के लिए तैयार नहीं था. इसलिए फाइनली हमारी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने जो है एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल कर दिया कि मॉन्सेंटो हमसे ये पैसे नहीं ले सकता. और फाइनली इन दोनों पार्टीज़ के बीच में जो अग्रीमेंट जो भी साइन हुआ था वो नवंबर 2015 में उसको टर्मिनेट कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया गया और फाइनली एक पेटेंट सूट जो है वो कोर्ट में पेटेंट के ऊपर जो केस है वो चलने लग गया. और सिंगल जज थे मार्च 2017 में, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने क्या डिसीजन दिया, उन्होंने कहा मॉन्सेंटो को कि आप अपना अग्रीमेंट, ये दोनों पार्टीज़ जो हैं अपना अग्रीमेंट नहीं तोड़ सकती, जैसा अग्रीमेंट चल रहा है उसको चलने दो. और पार्टीज़ को ऑर्डर किया कि जो भी अग्रीमेंट में लिखा है उसके ऑब्लिगेशंस को आप मानो. राइट, अब देखिए ये जो दिल्ली हाई कोर्ट है इसने जो पेटेंट था मॉन्सेंटो का उसको क्यों रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने अपने रीजंस दिए उसको रिजेक्ट करने का. जज ने ये रीज़न दिए कि मॉन्सेंटो का जो बीटी जीन है, देखो मॉन्सेंटो कंपनी ने क्या किया है, बीटी जीन को आइडेंटिफाई किया. जैसे मैंने आपको बताया ये बैक्टीरिया है, एक सॉरी बैसिलस थुरिंजेनेसिस, उसका वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है. प्रोटीन कहाँ से प्रोड्यूस होती है, डीएनए से. ये प्रोटीन क्या करती है, इंसेक्ट्स को मार देती है. अगर कोई ये प्रोटीन खाएगा वो मर जाएगा, वो इंसेक्ट मर जाएगा. तो यही डीएनए इसको प्रोड्यूस करता है और इस डीएनए को आइडेंटिफाई किया मॉन्सेंटो ने. तो आप देख सकते हैं मॉन्सेंटो का पेटेंट का हक किस पे है, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या, कि आइडिया है कि उसने आइडेंटिफाई किया इस जीन को जो ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है इंसेक्ट्स को मारने वाला. राइट, तो यहाँ पे जज ने क्या कहा कि मॉन्सेंटो ने तो सिर्फ बीटी जो जीन है उसको आइडेंटिफाई किया, लेकिन इस जीन का तो कोई यूज़ नहीं है फार्मर्स को. फार्मर्स क्या करेंगे जीन को लेके. राइट, जब तक कि ये जीन जो है हम
किसी कॉटन प्लांट में इंसर्ट नहीं कर देंगे तब तक इसको फार्मर्स का कोई भी बेनिफिट नहीं है। और देखिए ये जो जीन इंसर्शन है इसको कौन करता है, ये जो जीन इंसर्शन है इसको सीड कंपनीज करती हैं। और सीड कंपनीज क्या करती हैं, जो मॉन्सेंटो का सीड है उससे जो प्लांट ग्रो करते हैं और फिर जो हमारे नॉर्मल वेराइटीज़ के यहाँ पे प्लांट्स होते हैं उनको क्रॉस करवाते हैं। तो कोर्ट ने कहा ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप इस जीन को कोई जेनेटिकली मैनिपुलेटेड जेनेटिक टेक्निक से ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो, नेचुरल तरीके से ट्रांसफ़र कर रहे हो, बायोलॉजिकल प्रोसेस से ट्रांसफ़र कर रहे हो। और जो इंडिया का पेटेंट एक्ट है उसका सेक्शन है 3J, वहाँ पे लिखा है कि किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी को पेटेंट नहीं मिल सकता, किसी भी सीड या प्लांट को या बायोलॉजिकल प्रोसेस को पेटेंट नहीं मिल सकता जिससे कोई सीड या प्लांट बनता है, इसलिए मॉन्सेंटो को पेटेंट इस टेक्नोलॉजी का नहीं मिलेगा, राइट। तो ये एक थोड़ा सा डेंजरस कंक्लूजन भी है, बिकॉज अगर किसी देश में पेटेंट की प्रोटेक्शन, पेटेंट के लिए सुरक्षा उनको नहीं मिलेगी तो वो रिसर्च नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि रिसर्च में बहुत सारा पैसा, पेटेंट कोई चीज़ जो भी कंपनीज क्यों करती हैं क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और फिर उसको पेटेंट के थ्रू वो रिकवर करते हैं उस चीज़ को। तो कोई भी कंपनी जो है जब उसको पता इस चीज़ का पेटेंट नहीं मिल रहा तो वो उसमें पैसे इन्वेस्ट क्यों करेगी। तो आपको हमारे देश को ऑलरेडी हालात पता है, कितना ज़्यादा फार्मर्स को प्रॉब्लम चल रही है, एग्रेरियन डिस्ट्रेस चल रहा है। तो अगर हमने ये चीज़ें दूर करनी है तो एक मैंडेट हमारा ये भी है कि हम एग्रीकल्चर रिसर्च को इंक्रीज करें, तो इसके लिए जो पेटेंट प्रोटेक्शन है वो होना भी हमारे देश में बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के इस जजमेंट से एक तरीके का धक्का लगा था बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में आपको बता चुकी हूँ कि मॉन्सेंटो का पेटेंट क्लेम जो है वो रिस्टोर कर दिया, अब इस रूलिंग का क्या फ़ायदा है, क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये जानने के लिए आप देखिए कि जब से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का मेन मानना है कि जो पेटेंट है वो अगर हमने कोई नई डिस्कवरी करनी है, इनोवेशन लानी है और पेटेंट सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो ये जजमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेटेंट प्रोटेक्शन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे जो टेक्नोलॉजी डेवलपर्स हैं उनको भी एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करें अपने पैसे किस चीज़ में, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को मार्केट में आने के लिए। और कोर्ट ने यहाँ पर ये भी रिकॉग्नाइज़ किया कि कोई भी प्रोडक्ट हैं जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस के, जैसे कि कोई डीएनए कंस्ट्रक्ट्स भी हो सकते हैं, छोटे छोटे डीएनए कंस्ट्रक्ट्स भी हो सकते हैं, वो भी पेटेंटेबल हैं इंडिया में। तो इससे क्या फायदा होगा कि जितनी भी कंपनीज अभी बीच में अटक गई थी रिसर्च के कि अब रिसर्च करें इस चीज पे या ना करें, क्योंकि कंपनीज कमर्शियल बेनिफिट के लिए, अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रिसर्च कर रही है जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, तो वो बीच में कहीं ना कहीं अटक गई थी, लेकिन अब वो भी अपनी रिसर्च जो है वो रिज्यूम कर पाएंगी इन चीजों में। और डेफिनेटली पॉलिसी इन्वायरमेंट में भी एक चेंज आएगा कंट्री के की, और कॉटन फार्मर्स की कंपेटिटिवनेस भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये पूरा केस था, लेकिन इसमें से आप अगर आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो आप डिफरेंट इश्यूज भी निकाल के सामने ला सकते हैं। तो किस तरह के इश्यूज यहाँ पे हैं, जैसे IPR यानी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो इशू है वो यहाँ पे निकल के सामने आया, और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद ऑब्वियसली ये चीज़ यहाँ पे फ्री इम्प्रूव हुई है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी अगर फॉरेन की कंपनी है राइट, वो हमको टेक्नोलॉजी दे रही है उसके लिए वो लाइसेंस दे रही है और थोड़ी सी जो भी फ़ी है वो चार्ज कर रही है। अब वो टेक्नोलॉजी इंडिया को तभी देंगे जब उनको भरोसा होगा कि इस देश से हमको पैसा मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन जब उनको पता है कि इंडिया में ऑलरेडी अपने ही इतने मसले चल रहे हैं, इतने मुद्दे चल रहे हैं, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को नहीं देंगे। और ऐसा हुआ भी है कि जब तक ये केस चला है बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इवन कि हाइब्रिड राइस का भी जो इशू है उन्होंने टेक्नोलॉजी देने को इंडिया को मना कर दिया, बिकॉज उनको लग रहा था जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है उनको यहाँ से कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। और रिड्यूस्ड रॉयल्टी का जो केस मैंने बताया कि सपोज कोई प्लांट 700 रुपये में मिल रहा है या 740 रुपये में मिल रहा है, तो यहाँ पे रॉयल्टी यानी मॉन्सेंटो को इनमें से ये 39 या 49 रुपीज़ देते थे, तो मॉन्सेंटो ने इंक्रीज़ करने को बोला था ट्रेड फी जो है, जिसकी वजह से इन्होंने होल इशू हुआ केस किया, राइट। यहाँ पे यही है कि रिड्यूस रॉयल्टी भी रिड्यूस जो है वो नहीं करनी चाहिए, जो भी डिसाइड हुआ आपके अग्रीमेंट पे वैसा चलना चाहिए। और भारत में तो वैसे भी BT कॉटन के सिवाय किसी और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनको इजाज़त नहीं मिली है मार्केट में लाने के लिए, जैसे कि आपको पता ही है एक मोराटोरियम यानी एक बैन लगा पड़ा है अभी भी फील्ड ट्रायल्स जो हैं BT ब्रिंजल के,
उसके बाद जीएम मस्टर्ड पे भी आपको काफ़ी सारे ट्रायल्स करने और काफ़ी सारे परमिशंस का वेट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स का, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की जो ये रूलिंग्स है इन कमेटीज पे भी थोड़ा असर डालेगी और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनकी तरफ हमारा रुझान और बढ़ेगा। तो अब देखिए इन्हीं चीज़ के लिए क्या वे फॉरवर्ड यही है कि जितनी भी ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जैसे कि हम लोगों का बीटी कॉटन है, तो ये काफ़ी अच्छा साबित हुई है भारत के लिए। और कई बार बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ फ़ेल भी होती हैं, बीटी कॉटन का भी काफ़ी फेलियर भी एक टाइम पे तो बहुत अच्छे से ग्रो किया लेकिन बाद में एक सैचुरेशन हमने इसमें देखा। तो हमको यही चाहिए कि बीटी कॉटन के बाद कोई भी एक अच्छा टेक्नोलॉजी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर इंडिया में नहीं आया है। तो जब तक हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और बढ़ावा नहीं देंगे, इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, तब तक कोई भी देश हमसे टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली कहने का ये मतलब है कि स्ट्रॉन्ग पेटेंट प्रोटेक्शन होना किसी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वहाँ पे टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर फील्ड में डेवलपमेंट चाहते हैं। तो यही था ये टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी, PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा।